है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट सॉल्ट एनालिसिस के अंतर्गत हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। प्यारे बच्चों, नाइट्रेट आयन को कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप में रखा गया है। कैसे करेंगे इसका टेस्ट, आइए आपसे डिस्कस करते हैं। तो टेस्ट करना है तो सबसे पहले हमें एक टेस्ट ट्यूब तो लेना ही होगा। जी सर, आप एक अच्छी सी सुंदर सी टेस्ट ट्यूब ले लें और उसमें क्या लेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट। आपने ले लिया सॉल्ट, जी सर। अब आप इसमें मिलाएंगे कंसंट्रेट H2SO4। सर डायल्यूट H2SO4 क्यों नहीं मिलाएंगे? सर पहले आप डायल्यूट H2SO4 मिलाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा नाइट्रेट आयन कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप का है। तो फिर जब आप कंसंट्रेट H2SO4 मिलाएंगे तो इसमें रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी, आइए देखते हैं। अब इसमें जैसे कंसंट्रेट H2SO4 मिलाएंगे, इससे गैस निकलेगी। ये गैस आप देखेंगे, सर कौन सी गैस होगी, आइए रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि सॉल्ट में आपका पड़ा है NO3-, H2SO4 को जब आप आयंस के फॉर्म में तोड़ेंगे बच्चों, तो ये टूटेगा आपका H+ और साथ में टूटेगा NO3-। तो यहां से जो माइनस है ये किसकी तरफ जाएगा, माइनस तो सर प्लस की तरफ जाएगा। गुड, माइनस प्लस की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही। तो जो पहली रिएक्शन आपकी हो सकती है बच्चों, वो नाइट्रेट आयन जो है वो H+ से रिएक्ट करेगा और यहां पर 2H+ जो है एक ऑक्सीजन को लेकर के वाटर बना देगा और साथ में आपका बचेगा NO2 गैस होगी बच्चों। गैस के लिए अपवर्ड एरो बनाते हैं और गैस का साइन लिखते हैं। ये जो गैस होगी बच्चों, ये पंजेंट स्मेल रहेगी, पंजेंट स्मेल रहेगी और इसका कलर होगा रेडिश ब्राउन का, रेडिश ब्राउन का। अच्छा सर, अब एक समस्या है, ये जो ब्राउन कलर की गैस बच्चों, ये गैस ब्रोमीन भी देता है, तो कैसे पता चलेगा कि ये नाइट्रेट है या ब्रोमीन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। तो ये जो गैस आपकी आ रही है बच्चों, जो कि आपकी आप बता रहे हैं कि नाइट्रेट आयन है, अगर ये नाइट्रेट आयन है तो इसका एक कन और आपको कंफर्म करने के लिए आप इसको पास कर दें फेरस सल्फेट सोल्यूशन बच्चों। तो फेरस सल्फेट सोल्यूशन पास करने पर ये ब्लैक कलर हो जाता है, ब्लैक स्टेट आएगा, इससे कंफर्म हो जाएगा नाइट्रेट आयन है यहां पर और ब्रोमाइड आयन नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप, ये जो गैस आपने बनाई यहां पर बच्चों, इसको आप रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, फेरस सल्फेट सोल्यूशन के साथ, तो यहां पर हमें ब्लैक कलर प्राप्त होगा। तो यहां से कंफर्म हो जाएगा कि दिया गया जो हमारा एनायन है वो नाइट्रेट है। जी सर, बहुत अच्छा, ये तो समझ में आया। अब इसको और फर्दर कंफर्मेशन के लिए आपके पास एक टेस्ट होता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है, वो है आपका ब्राउन रिंग टेस्ट। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, हम लोग अगले जो चर्चा करने जा रहे हैं ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में। वाह सर, इसमें तो रिंग वगैरह बनेगा, गुड, तो बड़ा काम आएगा सर ये हमारे। हाँ बिल्कुल काम आएगा। ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे करेंगे, ये कंफर्मेशन टेस्ट है, ध्यान समझिए बच्चों। सबसे पहले क्या लेंगे, आप सॉल्ट का सोल्यूशन ले लेगा, आप यहां पर क्या लेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे थोड़ा सा। सर सॉल्ट सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, सॉल्ट सोल्यूशन बनाने के लिए बच्चों आप थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे और उस पर डिस्टिल वाटर मिला करके उसको प्रॉपर मिक्स करेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा, उसका स्मॉल अमाउंट लेंगे और इसमें आप मिला देंगे बच्चों फेरस सल्फेट सोल्यूशन मिलाएंगे जो कि फ्रेश प्रिपेयर्ड हो। ये फेरस सल्फेट सोल्यूशन क्या होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तुरंत ताजा ताजा बना होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। इसमें आप मिलाएंगे, सर फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों होना चाहिए बच्चों, फेरस सल्फेट जो होता है उसमें फेरस आयन वो है वो एरियल ऑक्सीडेशन के द्वारा फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आप उसको तुरंत बनाएंगे। अच्छा सर, अब आप इसमें इसके साथ साथ इसमें मिलाएंगे कंसंट्रेट H2SO4, वो कैसे मिलाएंगे, साइड ऑफ दी वॉल, कैसे सर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल बच्चों, आप ही समझिए, H2SO4 मिलाने के पहले आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को हल्का सा ऐसे बेंड कर देंगे,
ठीक है, इसमें क्या पड़ा है आपका? इसमें पड़ा है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, और इसमें आपने मिला दिया था पहले क्या, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बच्चों मिलाया है। अब आपको कहना ही चाह रहा हूं कि जब आप कंसंट्रेट H2SO4 बच्चों ये मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, दो चीजें मिलाएंगे। इसके बाद जब कंसंट्रेट H2SO4 बच्चों मिलाएंगे, तो कंसंट्रेट H2SO4 मिलाने का तरीका क्या होगा, ये आप इसको जो मिलाएंगे तो साइड ऑफ द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, मतलब ऐसे करके मिलाएंगे यहां पर। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि कंसंट्रेट H2SO4, पहले आपने कहा कि फेरस सल्फेट हमने मिला दिया, ठीक है, अब हम जब कंसंट्रेट H2SO4 जब मिलाएंगे बच्चों इसमें, तो ये साइड ऑफ द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब मिलाएंगे। इससे होगा क्या बच्चों, इससे होगा ये कि यहां पर एक इंटरफेस पर एक रिंग टाइप में ऐसे बनेगी, ऐसे, यही बच्चों जो रिंग होगी ये ब्राउन रिंग होगी। सर कैसे, थोड़ा इक्वेशन के माध्यम से बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे। अब आप ये समझो कि आपके सॉल्ट में सॉल्यूशन में पड़ा है नाइट्रेट आयन, ठीक, आपने क्या लिया सर, नाइट्रेट आयन लिया। अब इसका आपने कहा है कि फेरस सल्फेट रिएक्शन कराएं, तो फेरस सल्फेट को आयनिक फॉर्म में अगर आप तोड़ेंगे बच्चों, तो आयनिक फॉर्म में ये हो जाएगा Fe प्लस टू और SO4 माइनस टू आयन। तो हम यहां पर ले रहे हैं Fe प्लस टू को, और कंसंट्रेट H2SO4 भी आप मिला रहे हैं साइड ऑफ द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब से, तो यहां पर हमने लिख लिया H प्लस। बच्चों जब आप इसे बैलेंस करेंगे तो इसके तीन ले और इसके चार मॉलिक्यूल ले, तो यहां पर होगा क्या, ये NO3 माइनस जो है ये खुद में रिड्यूस होगा और बनाएगा क्या NO, Fe प्लस टू ऑक्सीडाइज होकर के बना लेगा Fe प्लस थ्री, और H प्लस जो है इससे बनेगा वाटर। जी सर आप बता रहे कि ये, और यहां पर ये जो NO बना है बच्चों, इसकी रिएक्शन फिर होगी फेरस सल्फेट में, कैसे होगी सर, मान लीजिए आपका जो फेरस का सोल्यूशन है वाटर एक्वस फॉर्म में ये कुछ ऐसा है, ठीक है, आयन के फॉर्म में लिख रहा हूं तो प्लस टू लिख दिया। अच्छा सर, इसमें आप NO से जब रिएक्शन कराएंगे, तो ये जब रिएक्शन होगी बच्चों, तो यहां पर ये NO आएगा और एक वाटर यहां चला जाएगा, तो कुछ ऐसा होगा बच्चों, इसके अंदर NO आएगा और एक वाटर चला जाएगा, तो होगा क्या बच्चों, Fe H2O का होल फाइव और एक NO ऐसा आएगा प्लस टू चार्ज के साथ। जी सर, और यहां पर आपका बच्चों निकलेगा एक वाटर, यही आपका जो कंपाउंड होगा ये ब्राउन कलर का रहेगा, ब्राउन रिंग बनाएगा। सर एक बार और बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे साहब, आप ध्यान दें, आपको क्या लेना है, थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, इसमें आप मिक्स करेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, और ये जो टेस्ट ट्यूब की जो वॉल है इसके सहारे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ ड्रॉप कंसंट्रेट H2SO4 की मिलाएंगे। जब आप ये मिलाएंगे तो आप देखेंगे इसके इंटरफेस पर एक आपका ब्राउन रिंग बन जाएगा। सर ये ब्राउन रिंग कैसे बनेगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन। जी एक्चुअली बच्चों होता क्या है कि आपका जो कंसंट्रेट H2SO4 होता है ये थोड़ा सा हैवी होता है और ये नीचे बैठता है, और ऊपर जब आप फेरस सल्फेट ये सरफेस के ऊपर रहता है, इन्हीं दोनों के इंटरफेस पर एक रिंग बनता है जिसको हम ब्राउन रिंग कहते हैं, जो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं नाइट्रेट आयन में डाइफेनिलमीन टेस्ट। सर ये टेस्ट क्या है बच्चों, इस टेस्ट को करने के लिए आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। हां सर ये तो याद हो गया, टेस्ट करना है तो टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा। अब इस टेस्ट ट्यूब में बच्चों आप थोड़ा सा सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे। सर थोड़ा सा कितना, लगभग 1 or 2 ml, इसमें आप मिलाएंगे डाइफेनिल एमीन। सर डाइफेनिल एमीन आप मिलाएंगे, तो जब ये मिलाएंगे तो इसमें रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद ये आपका ब्लू कलर देगा। सर कैसे होगा, कोई रिएक्शन के माध्यम से आप इसको बताएंगे? हाँ आप देखिए, आपका जो यहां पर नाइट्रेट आयन है बच्चों HNO3, ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, अब इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं डाइफेनिल एमीन से, डाइफेनिल एमीन से।
तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन को लेकर के क्या बना लेगा बच्चों, वाटर बना लेगा। और आपका बचेगा यहां पर C6H5 का होल ट्वाइस N, और फिर N C6H5 का होल ट्वाइस। बच्चों ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा ये आपका ब्लू कलर का रहेगा, ब्लू कलर। सर अगर यहां पर ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तो इसका मतलब हमको ये हुआ कि हमारा जो सॉल्ट है इसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। प्यारे बच्चों नाइट्रेट आयन में अब हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कॉपर चिप्स टेस्ट के बारे में। जी सर, कॉपर चिप्स टेस्ट कैसे करेंगे सर ये टेस्ट? सर ये वो चिप्स तो नहीं जो खाया जाता है? नहीं बच्चा, ये टेस्ट है, केमिकल्स है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये तो समझ में आ गया सर, टेस्ट करना तो टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा। टेस्ट ट्यूब में आप क्या रखेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे और साथ में आप इसमें मिक्स करेंगे फ्यू पार्टिकल्स कॉपर, टर्निंग कॉपर के कुछ टुकड़े, और साथ में आप मिलाएंगे इसमें कंसंट्रेट H2SO4। अच्छा सर, आप कह रहे हैं इसमें आप मिला रहे हैं कॉपर और साथ में कंसंट्रेट H2SO4। अगर ये मिलाएंगे तो क्या होगा सर, रिएक्शन होगा? कैसी रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, आइए डिस्कस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा कि सॉल्ट में आपका पड़ा है NO3-आयन। NO3-आयन जो है नाइट्रेट आयन, ये कंसंट्रेट H2SO4 के H+ आयन से रिएक्ट करेगा और बना लेगा HNO3, नाइट्रिक एसिड। बच्चों ये जो नाइट्रिक एसिड है यही फर्दर रिएक्ट करेगा कॉपर के साथ, और ये जब रिएक्शन होगी बच्चों तो यहां पर आपका देगा CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। और क्या होगा सर, और इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में वाटर निकलेगा। वाटर कितने निकलेगी, 4H है तो 2 वाटर आपके निकल सकते हैं। जी सर, आप कह रहे हैं कि आपका ये आपका आ गया रिएक्शन। अच्छा इसमें जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है ये ब्राउन कलर की रहेगी, इसके ब्राउन फ्यूम्स टाइप में निकलेंगे। अच्छा पंजेट कलर, पंजेट स्मेल रहेगा। सर एक बार कॉपर चिप्स टेस्ट बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताए। आप क्या करेंगे सर, सॉल्ट लेंगे पिंच ऑफ, इसमें आप फ्यूम पार्टिकल्स कॉपर के टर्निंग मिलाएंगे, कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े। कॉपर टर्निंग क्या है, कॉपर के छोटे छोटे पीस होते हैं, और साथ में आप मिला रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4। तो रिएक्शन क्या हो रही है, नाइट्रेट आयन H+ से मिलकर के नाइट्रिक एसिड बनाता है। ये नाइट्रिक एसिड जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा वो रिएक्ट करेगा कॉपर से और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहां से गैस निकलेगी बच्चों। ये गैस किस कलर की रहेगी, इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के बारे में तो ऑलरेडी आपने जान ही गए हैं कि ये ब्राउन कलर की गैस होती है, पंजेंट स्मेलिंग होती है। अच्छा सर, प्यारे बच्चों आइए आपसे डिस्कस करते हैं वाइवा रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है बच्चों कि ब्राउन गैस जो आपकी मिलती है, ब्राउन गैस जो कि पंजेंट स्मेलिंग है, पंजेंट स्मेल, अब ये गैस आपका क्वेश्चन में ये पूछा सकता है कि ये ब्रोमाइड आयन के लिए भी हो सकती है, या आपसे पूछ ले कि यही तो नाइट्रेट आयन में भी आ सकती है। अब कैसे कंफर्म करेंगे कि ये ब्रोमाइड आयन है या नाइट्रेट आयन है? अब सर इसके लिए तो आपको एक टेस्ट और करना पड़ेगा कि ये जो ब्राउन गैस है, ठीक है, अगर इसको आप पास कर दें किसमें, इसको आप क्या करें पास करें किसमें, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में, FeSO4 में, और अगर ये पास करने के बाद यहां पर ब्लैक कलरेशन आ जाए तो इसका मतलब हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो गैस है ये NO2 है और NO3- से आ रही है। जी सर, सर एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जा सकता है कि यही जो गैस की प्रॉपर्टी है तो ये NO2- और साथ में NO3- दोनों से हो सकती है। अच्छा ये आपका हो गया नाइट्राइट और ये हो गया आपका नाइट्रेट। अब
दोनों में यही सेम गैस प्रोड्यूस होती है, तो कैसे कंफर्म होगा कि आपका जो ब्राउन गैस आ रही है वो NO2- से आ रही है कि NO3- से? तो सर अगर ये गैस आपकी है, कौन सी गैस? जो ये वाली है ब्राउन गैस 15 डिसमिल, अगर ये गैस डायलूट H2SO4 के रिएक्शन के द्वारा आ रही है तो इसका मतलब आपका क्या है? नाइट्रेट आयन है, यानी ये होगा। अगर यही चीज आपने कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन से ऑब्टेन की है तो इसका मतलब आपका नाइट्रेट आयन NO3- प्रेजेंट है। प्यारे बच्चों आपको पता होगा NO2- को हमने डायलूट H2SO4 ग्रुप में रखा है, डायलूट H2SO4 ग्रुप की रिएक्शन कराएं। जैसे कि आप करना क्या चाह रहे हैं कि सॉल्ट ले, सॉल्ट में आपने क्या मिला दिया था? डायलूट H2SO4। अगर डायलूट H2SO4 मिलाने पर बच्चों अगर ये रिएक्शन आएगी तो इसका मतलब है NO2- है। लेकिन अगर आप यही सॉल्ट में आप क्या मिला दे रहे हैं? कंसंट्रेट H2SO4 मिला दे रहे हैं और तब ऐसी गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब हुआ नाइट्रेट आयन। जी सर। प्यारे बच्चों इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये आपके दिमाग में होगा, तो प्रोसेस आपको आना चाहिए। अगर आपको वाइवा अच्छा से देना है तो आपको मास्टर ऑफ प्रोसेस होना चाहिए। कैसे इसमें टेस्ट करते हैं? जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, आपने पहले ही डिस्कस किया है कि ब्राउन रिंग टेस्ट में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं और उसमें हम मिलाते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 साइड ऑफ द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो वहां पर एक रिंग का बनता है और जंक्शन ऑफ द लेयर पर, तो वो रिंग हमारा ब्राउन कलर का होता है, इस टेस्ट को ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। डाइफिनिल एमिन टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है किस कलर का बनता है, तो वो आपका बनता है ब्लू कलर का। प्यारे बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे जब हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएं या वीडियो लेक्चर बनाएं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, नमस्कार।